7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जब हमास मिलिटेंट ग्रुप और इसराइल के बीच ऐसा वॉर शुरू हुआ जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। हमास ने अचानक ही चारों फ्रंट से मल्टी अटैक चालू कर दिए जिसमें कई सारे रॉकेट इसराइल पे दागे और 3000 से ज्यादा मिलिटेंट्स गाजा इसराइल बॉर्डर को तोड़कर इसराइल में घुस आए। उस वक्त इसराइल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, चारों ओर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे ना कैसे कहीं छुपने लगे। ये मंजर इतना खौफनाक था क्योंकि हमास का मकसद एकदम साफ दिखाई दे रहा था। कई लोग तो ऐसे थे जिनको अगले दिन का सूरज भी नसीब नहीं हुआ और इन हमलों के दौरान कम से कम 846 इजरायली नागरिक और 324 सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। इसके साथ ही वो 240 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधकों के रूप में गाजा पट्टी ले गए। मगर जो हमास इस जीत की खुशी मना रहा था उसको क्या पता था कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कसम खाई कि हमास को जड़ से वो मिटा देंगे। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में उन्होंने ये वादा पूरा किया? आखिर क्या है इजराइल की स्ट्रेटेजी हमास के खिलाफ और अब तक इजराइल क्या कर पाया है इस पूरे वॉर में, चलिए जानते हैं। हमास इजराइल पर हर साल मिनिमम 100 टेररिस्ट अटैक करता है। सिर्फ इस मिलिटेंट ग्रुप ने ना जाने कितने इजरायली सिटीजन की जान ले ली और हजारों से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। इजराइल ने भी इनको काउंटर अटैक करने की कोशिश की मगर हर बार ये जैसे तैसे बच के निकल जाता। मगर आज ऐसा माहौल लग रहा है कि इजराइल इस बार अपने निशाने से नहीं चूकने वाला है क्योंकि अब वो रफा को घेर कर हमास को घुटने पर ले आएगा। कुछ दिन पहले इसराइल ने 7 मई को राफा में एक एयर स्ट्राइक की जिसकी वजह से वहां छुपे हुए कई हमास के मिलिटेंट्स मारे गए। ये एक ऐसी जगह है जो पूरे गाजा में हमास का काफी वक्त से एक मेन एरिया रहा है। इसलिए इसराइल का मानना है कि अगर वो राफा का एरिया काबू कर लेगा तो वो डायरेक्ट हमास को कंट्रोल कर सकता है। मगर हमास को जड़ से खत्म करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए इसराइल ने एक पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई है जिससे अब वो हमास के मिलिटेंट्स को धीरे धीरे रफा की तरफ भगा रहा है। हमास एक ऐसा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टाइन को 2007 से कंट्रोल कर रहा है और अपनी सरकार वहां पे चला रहा है। पर ये सरकार चलाने वाले ही हैं जो खुद पैलेस्टाइन को तबाह करने में लगे हुए हैं। इनकी एक मिस्टेक की वजह से आज पूरे पैलेस्टाइन को सजा भुगतनी पड़ रही है। इन लोगों का सोल मोटिव सरकार चलाना नहीं है बल्कि इसराइल को जड़ से मिटाने का है। तभी जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए और पिछले 16 सालों में उन्होंने मिनिमम 1600 घातक अटैक इसराइल पर किए। जी हाँ, जिसकी वजह से इसराइल और पैलेस्टाइन में रह रहे कई लोगों की मौतें हुई। मगर इसराइल भी चुप कहां बैठने वाला था। उसने भी कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया और हमास को जड़ से खत्म करने के लिए 4 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन अब तक यहां पर कंडक्ट किए। सबसे पहला ऑपरेशन था कास लीड जो उन्होंने 2008 में कंडक्ट किया था। इस दौरान पहली बार हमास ने इसराइल पर कई सारे रॉकेट्स दागे और जिसके जवाब में इसराइल ने पैलेस्टाइन में 22 दिन का ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशन से हमास मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमास बच गया और उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद अगला मिलिट्री ऑपरेशन था पिलर ऑफ डिफेंस जो कि 2012 में कंडक्ट करवाया गया था। ये ऑपरेशन इसलिए करवाया गया क्योंकि फिर से गाजा से काफी सारे रॉकेट अटैक्स ज्यादा ही बढ़ गए थे। इस बार तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने 8 दिनों के इस सीक्रेट ऑपरेशन में हमास के एक टॉप लीडर को ही मार गिराया था और साथ ही 1500 मिलिटेंट साइट्स को भी तबाह कर दिया था। मगर इस बार भी वो बच गया क्योंकि बीच में इजिप्ट उनकी मदद करने के लिए आ गया और इन दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन करवा दी। तीसरी बार साल 2014 में इजराइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कंडक्ट किया क्योंकि उस वक्त हमास ने 3 इजरायली बच्चों को बंधक बना के उनकी जान तक नहीं बख्शी। फिर क्या, इजराइल तो इस बार और खूंखार हो गया और एक फुल स्केल ऑपरेशन हमास के खिलाफ स्टार्ट कर दिया। ये ऑपरेशन उस टाइम 50 दिनों तक चला और उस टाइम का ये सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था। मगर फिर से इजिप्ट ने यहाँ अपनी नाक घुसाई और इन दोनों के बीच फिर समझौता करवा लिया। चौथा और मेजर ऑपरेशन 2021 में कंडक्ट किया और जिसका नाम था गार्जियन ऑफ द वॉल्स। इसका भी रीजन सेम ही था और इस बार इसराइल ने 4000 से ज्यादा रॉकेट स्ट्राइक्स करवाए और फिर से वही सेम स्टोरी यहाँ भी रही। इनके बीच में फिर से इजिप्ट आ गया और फिर से हमास को उसने बचा लिया। मगर ऐसा नहीं है कि इसराइल हाथ में हाथ रखे बैठा रहा। उसने भी इस बीच हमास के सुप्रीम लीडर्स को जन्नत का रास्ता दिखाया और उनके कई मिलिटेंट्स ठिकानों को वो अटैक करते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने को वापस खड़ा किया और इसराइल पर बार बार कुछ ना कुछ हमला करता रहा। वो एक ऐसा दीमक इसराइल के लिए बन गया था जिसे लाख मारने के बाद भी इसराइल को वो खोखला करने में लगा हुआ था।
लेकिन इसका भी समाधान अब इसराइल ने ढूंढ लिया और अब चाहे कोई भी आ जाए उसने कसम खाई है कि वो हमास को उखाड़ फेंकेगा। इसके लिए उसने एक ऐसी प्लानिंग की जिसकी वजह से अब आधे से ज्यादा पैलेस्टाइन से हमास उखड़ चुका है। जैसे ही 7 अक्टूबर को इसराइल पर यह घातक हमला हुआ तभी के तभी इसराइल गवर्नमेंट ने अपनी सेना को इस जंग को बिना खत्म किए वापस ना आने का ऑर्डर दे दिया। हमास को जड़ से उखाड़ने की शुरुआत हुई नॉर्थ गाजा से। अगर गाजा को आप ध्यान से मैप में देखोगे तो ज्योग्राफिकली वो 5 एरियाज में डिवाइडेड है। इन्होंने धीरे धीरे करके एक के बाद एक इस एरिया में कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए और इसके साथ ही ऑन ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाए जिसमें कई सारे हमास के लीडर्स और इनके आर्मी के लोग मारे गए। ये एयर स्ट्राइक इसलिए भी करवाए गए थे क्योंकि हमास कहीं ना कहीं सिविलियंस के बीच में छुपा रहता था। इसके बाद यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, जहां जहां हमास छुपने की कोशिश कर रहा था वहीं उनको चुन चुन कर ढूंढा गया और मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी वजह से उसने नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, कैर अल बलहा और खान यूनिस से हमास को अब तक उखाड़ फेंका था। इस वजह से आज गाजा की ऐसी हालत हो गई है कि वहां पे पहले हमास के 24 बटालियन यानी आर्मी यूनिट्स थे जिसमें से अब तक IDF ने 18 बटालियंस को खत्म कर दिया है। पर अभी ये जंग खत्म नहीं हुई क्योंकि रफा में अभी भी हमास की 6 बटालियंस मौजूद हैं। इसलिए ही अब लग रहा है कि इसराइल अगर रफा जीत गया तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि हमास को इसराइल जड़ से खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी रफा को डिस्ट्रॉय करना इसराइल के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हमास के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इसलिए 25 अप्रैल 2024 को IDF ने रफा को घेर लिया और ठीक 11 दिनों बाद 6 मई 2024 को रफा में रह रहे 1.42 मिलियन लोगों को लीफलेट्स एयर ड्रॉप किए गए और साथ ही कई लोगों को फोन पे भी मैसेज भेजे गए कि सारे सिविलियंस रफा को खाली करके नजदीकी कैंप में चले जाएं क्योंकि जल्दी ही IDF वहां पे हमास पर अटैक करने वाली है। अगर यहाँ इसराइल कामयाब हो जाता तो इस बार बहुत मुश्किल ही है कि हमास फिर से घुटनों पर खड़ा हो पाएगा क्योंकि इससे पूरे गाजा से हमास के मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज जड़ से ही खत्म हो जाएंगी और इसराइल पर अब अटैक होना बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही रफा क्रॉसिंग पूरे गाजा की इकलौती जगह है जो गाजा को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जगह अब तक इसराइल के कंट्रोल में भी नहीं थी। आज तक इसराइल ना तो इसके सी और ना ही एयर स्पेस को कंट्रोल कर पाया है जिसकी वजह से हमेशा से यहाँ हमास का दबदबा बना रहा है। इसी क्रॉसिंग से अब तक हमास के इलीगल वेपन्स और एम्यूनेशन यहीं से आते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज पूरे गाजा में हमास के लिए आते थे वो यहीं से आया करते हैं। अगर इस क्रॉसिंग पर इसराइल ने काबू कर लिया तो फिर हमेशा के लिए हमास का सप्लाई ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब इसराइल की रफा को डिस्ट्रॉय करने की धमकी से हमास इतना डर गया है कि उसने खुद से ही अनाउंस कर दिया है कि वो एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहता है। इस पीस ट्रीटी में उनकी 3 मेजर डिमांड्स हैं, जिसमें पहली है गाजा से इजरायली फोर्सेस को निकालें, दूसरी के पैलेस्टीनियंस को रेफ्यूजी कैंप से निकालकर उनके अपने घरों में जाने दें, और तीसरी के हमास इजरायल के उन लोगों को छोड़ देगा जिनको अभी तक उन्होंने बंदी बनाकर रखा है। मगर इसराइल को भी 700 पैलेस्टीनियंस को छोड़ना पड़ेगा और इनके साथ उन 100 प्रिजनर्स को भी जो कि इसराइल की जेल में उम्र कैद काट रहे हैं। ये वही मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने इसराइल के लोगों को मारा था, मगर इसराइल ने इस पीस ट्रीटी को साइन करने से साफ मना कर दिया है। पर दूसरी कंट्रीज हमास पे अटैक करने से इसराइल से ना खुश हैं और इसराइल के बॉर्डर्स पे लगातार अटैक कर रही हैं। इसराइल लेबेनान बॉर्डर पर 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने शेबा फार्म्स एरिया में इजरायली ठिकानों पर हमला किया जिसका जवाब तभी इसराइल ने दिया। तब से लेके हर दिन झड़पें हो रही हैं जो कि इन दोनों के बीच कब्जे वाले गोलन हाइट्स तक फैल रही हैं। इन झड़पों की वजह से अब तक 513 लेबनानी मिलिटेंट्स और 15 इसराइली सैनिक भी मारे गए हैं और लेबनान में 1,00,000 लोगों का और इसराइल में 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। खाली लैंड ही नहीं पानी में भी लगातार इसराइल पर हमले हो रहे हैं। रेड सी में इसराइल और कमर्शियल शिप्स पर ईरान के पाले हुए हूथी मिलिटेंट्स ने भी यमन से इनके शिप्स पर हमला किया। 19 अक्टूबर को खुद अमेरिका के नेवी डिस्ट्रॉयर USS कार्नी ने कई मिसाइल्स को गिराया था जो कि इसराइल की तरफ जा रहे थे रेड सी के ऊपर से होते हुए। ये आए दिन इसराइली जा रही शिप्स पर कई बार हमला करते हैं और काफी बार उन्हें लूट भी लेते हैं और ये अब तक ऐसे ही चला रहा है। इनके साथ ही इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप नवंबर 2023 से लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक इसराइल पे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी है कि वो लगातार ये अटैक्स करते जाएंगे जब तक इसराइल पैलेस्टाइन को खाली नहीं कर देता।
10 अक्टूबर 2023 को सीरिया के साथ भी इसराइल के बीच मिसाइल अटैक हुए। 12 अक्टूबर को इसराइल ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की सीरिया यात्रा से पहले हवाई अड्डों पर हमला किया था। जनवरी 2024 में डमास्कस में इजरायली हवाई हमले में सीरिया में ईरानी कर्ज फोर्स के 4 सदस्य मारे गए। 1 अप्रैल को इजरायली वायुसेना ने फिर से इस बार ईरानी कॉन्सुलेट पर हवाई हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए। इसका बदला लेने के लिए ईरान भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी इजरायली शिप्स पर कई मिसाइल्स दागने की कोशिश की। और आज भी ईरान इसराइल पर कुछ ना कुछ हमले या तो खुद करता है या तो अपने मिलिटेंट्स ग्रुप से हमले करवाता रहता है। इन देशों के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसराइल के साथ रिलेशनशिप खत्म करने की ठानी है। इस वॉर ने एक बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जन्म दिया है जिसमें दुनिया भर के कई देशों ने इस वॉर पर दुख व्यक्त किया है। इस वजह से कम 9 देशों ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है और इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने का कठोर कदम उठाया है। अब देखना यह है कि क्या इसराइल इन बढ़ते दबाव से झुक जाएगा या फिर वो हमास को जड़ से उखाड़ के ही रहेगा। तो ये थी दोस्तों इसराइल के हमास को जड़ से खत्म करने की स्ट्रैटेजी। अब देखना यह है कि क्या इसराइल रफा को जीत लेगा या नहीं। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दें, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।